फ्रंटलाइन पर रूसी वायुसेना ने हमला किया है। रूस की Su-34 फाइटर जेट से बम वर्षा देखने को मिली। फैब 500 हमलों में यूक्रेनी पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई। यूक्रेन के विदेश मंत्री मंगलवार को चीन पहुंचे हैं। इस दौरे पर दिमित्रो कोलेबा ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की है, मगर पूरी दुनिया यूक्रेनी विदेश मंत्री के चीन दौरे पर जाने से हैरान है, क्योंकि एक तरफ चीन अमेरिका का कट्टर विरोधी है, नेटो देशों से भी चीन का तनाव है, तो वहीं चीन और रूस दशकों से अच्छे मित्र देश हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि यूक्रेनी विदेश मंत्री कोलेबा आखिर जिनपिंग के दर पर क्यों पहुंचे? क्या जेलेंस्की को चीन से चाहिए हथियार या फिर जिनपिंग से लगाई जंग रोकने की गुहार? देखिए इस रिपोर्ट। आधा से ज्यादा यूक्रेन पुतिन के बारूदी ताप से राख हो चुका है। यूक्रेन के तमाम बड़े शहर रूसी अटैक से दहल रहे हैं। यूक्रेनी सेना के दर्जनों हथियार डिपो, मिलिट्री बेस, एनर्जी इंफ्रा तहस नहस हो चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त यूक्रेन जंग हार सकता है, पुतिन ब्रिगेड के आगे सरेंडर कर सकता है, और मुमकिन यह भी है कि दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का वजूद खत्म हो जाए। हैरानी इस बात की है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल्क अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नेटो और दुनिया का सबसे ताकतवर गुट यूरोपियन यूनियन बीते 29 महीनों से यूक्रेनी खेमे को पावरफुल बनाने में जुटे हैं। बम गोला बारूद के साथ साथ विध्वंसक हथियारों की खेप सप्लाई की जा रही है। बावजूद इसके यूक्रेनी सेना के आत्मसमर्पण की बात क्यों की जा रही है, क्यों यूक्रेन के संपूर्ण विनाश की आशंका जताई जा रही है, तो इसके पीछे की वजह है यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की का सबसे ताजा बयान। अब तक रूस को बराबरी की टक्कर देने का दम भरने वाले, क्रीमिया पर फिर से फतह हासिल करने का प्रण लेने वाले जेलेंस्की का इस कदर भयभीत होना, जंग से पीछे हटना तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कोलेबा चीन के आधिकारिक दौरे पर गए हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री कोलेबा ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दावा है कि दिमित्रो कोलेबा ने चीन से रूस यूक्रेन जंग रोकने की अपील की। रूस यूक्रेन के बीच समझौते के लिए चीन को मध्यस्थ बनाने की पेशकश की। पहली बार यूक्रेन के कोई विदेश मंत्री चीन दौरे पर पहुंचे, वो भी तब जब चीन और रूस अच्छे मित्र देश हैं। जंग में भी चीन खुले तौर पर रूस का समर्थन करता रहा है। ऐसे में यूक्रेनी विदेश मंत्री का चीन दौरे पर जाना, चीन को जंग रोकने के लिए रूस से समझौते के लिए मध्यस्थ बनाना बेहद ही हैरान करने वाला है। तो आपको बता दें कि इस वक्त यूक्रेन चौतरफा घिर चुका है और हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अगर यूक्रेन ने सही वक्त पर जंग नहीं रोकी तो फिर वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन का वजूद ही दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए।
जंग के 29 महीनों के बाद अचानक ही जेलेंस्की जंग रोकने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों यूक्रेनी ब्रिगेड अब सरेंडर के मोड में आ चुकी है? तो आपको बता दें कि इसके पहली वजह है पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों की सप्लाई का घटना, यानी तय वक्त पर हथियारों की खेप का ना मिलना, जिसके चलते यूक्रेनी सेना वेपन क्राइसिस से जूझ रही है। दूसरी वजह है 29 महीनों तक लगातार जंग लड़ने से यूक्रेनी डिफेंस की मैन पावर का कम हो गया, मतलब ये कि यूक्रेन के पास जंग लड़ने वाले सैनिकों की तादाद कम हो चुकी है। तीसरी वजह है सैन्य मदद को लेकर नेटो देशों में खटपट होना। दरअसल नेटो के कुछ देश यूक्रेन की सैन्य मदद करने से साफ इनकार कर रहे हैं। चौथी वजह है ईस्टर्न फ्रंट पर रूसी सेना का दबदबा बढ़ना। ईस्टर्न यूक्रेन के कई इलाकों में रूस का कब्जा हो चुका है और हालात ऐसे ही रहे तो यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूसी ध्वज लहराना तय है। पांचवी और सबसे अहम वजह है अमेरिका में बाइडेन का दोबारा राष्ट्रपति ना बनना, क्योंकि बाइडेन की जगह कमला हैरिस डेमोक्रेट पद की उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय पद के लिए। छठी वजह भी यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रही है, वो ये कि अमेरिकी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाले ट्रंप का यूक्रेन के समर्थन में खड़ा न होना। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर वो जीते तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद होगी। और सातवीं वजह है रूसी हमलों में यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी तरह से तबाह होना, जिसके चलते यूक्रेनी नागरिकों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे हालात में जंग लड़ना मौत को दावत देने जैसा है। वेपन क्राइसिस से लेकर गोला बारूद के किल्लत, जिसके चलते यूक्रेनी सेना रूसी हमले का पलटवार तक छोड़िए डिफेंस तक नहीं कर पा रही। इसी तरह नेटो के देश भी यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर दो खेमे में बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बाइडेन का चुनाव से हटना, ट्रंप का यूक्रेन की सैन्य मदद से साफ इनकार करना जेलेंस्की के लिए मुसीबत से कम नहीं है। मगर जेलेंस्की को जिस बात का सबसे ज्यादा डर सता रहा है वो है ईस्टर्न यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना का कब्जा होना। लगातार ईस्टर्न फ्रंट पर यूक्रेन का बैकफुट पर आना, दरअसल रूसी ब्रिगेड ईस्टर्न यूक्रेन पर जबरदस्त तरीके से न सिर्फ हमला कर रही है बल्कि खार्किव, नीप्रो, सुमी जैसे कई इलाकों में रूसी सेना का कंट्रोल भी हो चुका है। खार्किव, रूसी सेना का इस्कंदर मिसाइल से भीषण हमला। डोनेस्क, यूक्रेनी बेस पर फैब 500 ग्लाइड बम से अटैक। ज़ेपोरिजिया, यूक्रेन का हथियार डिपो मिसाइल हमले में तबाह। मेकोलेव, रिहायशी इलाकों में लड़ाकू विमानों की स्ट्राइक। मेलितोपोल, कामिकाजी ड्रोन्स के जरिए विस्फोटक हमला। डोनेस्क, लुहांस में पहले ही रूसी ध्वज लहरा चुका है। नीप्रो और खार्किव के कई इलाकों को रूसी सेना जीत चुकी है और आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि जल्द ही पुतिन की फौज यूक्रेन की राजधानी कीव पर फतह हासिल कर सकती है। ऐसे में अगर यूक्रेन को पुतिन प्रकोप से बचना है, अगर यूक्रेन के बाकी इलाकों में रूस का कब्जा ना हो, इसके लिए अभी से ही जेलेंस्की जंग रोकने की बात कर रहे हैं। चीन को मध्यस्थ बनाकर रूस से समझौते की पेशकश कर रहे हैं ताकि यूक्रेन का वजूद बचाया जा सके, वरना जंग इसी तरह जारी रही तो एक बात शीशे की तरह साफ है, आज नहीं तो कल या तो यूक्रेन का रूस में विलय हो जाएगा या फिर यूक्रेन कई टुकड़ों में बट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।